स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिनु साइंस वर्ल्ड है। और अब तक आपने अनुवंशिक के बारे में वीडियो पढ़ा था, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप बिल्कुल खुश होंगे और हमारे वीडियो को पसंद करते होंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते होंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे को वीडियो को पसंद करते हैं और अभी जो वीडियो देख रहे हैं और उसे लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अनुवंशिकता नियम के बारे में, अनुवंशिकता के बारे में मैंने आपको कल बेसिक डिटेल दी थी और आज मैं बताऊंगा मेंडल साहब ने क्या क्या किया आगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल तो मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर मटर का परीक्षण किया और उसमें सफल भी हुआ, क्यों हुआ उसका कारण भी दे दिया। तो फ्रेंड्स आज मैं बताता हूं मेंडल का अनुवंशिकता का नियम, यानी कि उसने अनुवंशिकी के संबंधित एक नियम दिया था तो उसके बारे में बताता हूँ। तीन प्रकार के नियम दिए थे जिसमें सबसे पहले मोस्ट है आपका प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या है इसके बारे में बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, तीसरा था स्वतंत्र अपवहन का नियम। तो अपने सबसे मोस्ट क्या है, प्रभाविता का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको थोड़ा जानकारी देता हूं प्रभाविता का नियम। इस नियमानुसार जब दो शुद्ध जनकों के मध्य जब निषेचन करवाया जाता है तो वह F1PD में वही लक्षण प्रकट करते हैं जो प्रभावी होते हैं। तो F1PD के अंदर जो भी प्रभावी लक्षण होते हैं, मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि प्रभावी लक्षण कौन कौन से होते हैं और अप्रभावी कौन से होते हैं। तो ये जो अप्रभावी लक्षण दिखाएगा तो वो कौन सा नियम हो जाएगा, प्रभाविता का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एक सादा सा उदाहरण है कि एक संक्रमण होता है ना, उसी के अंदर आप प्रभाविता का नियम को अच्छी तरह से देख सकते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी जानकारी प्राप्त हुई है तो इतना होता ही, मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। फ्रेंड्स अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि एक संकर संकरण होता है, तो एक संकर संकरण एक्चुअल में है क्या, एक जोड़ी लक्षण को ध्यान में रखकर करवाया जाने वाला क्रॉस होता है। तो वो कौन सा संकरण होता है भैया, एक संकर संकरण। एक संकर संकरण के अंदर देखो आपको एक जोड़ी कौन कौन से देखिए मैं बता देता हूं, जैसे कि एक तो कैपिटल टी और एक ले लिया स्मॉल टी। कैपिटल टी का मतलब क्या हुआ, एक शुद्ध लंबा ले लिया, शुद्ध लंबा मतलब शुद्ध तो मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, वही शुद्ध लंबा ले लिया और दूसरा ले लिया बोना, दोनों के बीच में संकरण कराया, दोनों के बीच में निषेचन की अभिक्रिया करो, निषेचन कराने के बाद में इसके प्रकार दो एक उत्पाद प्राप्त हुआ। उत्पाद प्राप्त हुआ वो कौन सा हुआ, एक तो था कैपिटल टी, दूसरा हुआ स्मॉल टी। ये एक F1PD के अंदर दिखाने वाले प्रभाव है। और ये जो आपको उत्पाद प्राप्त हुआ है, ये उत्पाद कौन सा है, अशुद्ध है। और अशुद्ध के अंदर आपको कौन सा उत्पाद प्राप्त हुआ है, लंबा, और लंबा संकरण के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो आपको पता चल गया। अब बताता हूं मैं F2PD के बारे में। F2PD एक्चुअल में क्या होती है, F2PD के अंदर होता है सौ परागण, और सौ परागण तो मैंने आपको बताया है कि फूलों के पौधों के ऊपर फूलों के संबंधित आपस में कराए जाने वाले निषेचन की प्रक्रिया होती है, वो होती है। ठीक है ना, तो F1PD के अंदर देखिए मैं आपको F2PD के अंदर इसके दो गुण दूंगा, F1PD के दो गुण दूंगा, जिसमें देखिए एक तो मैंने लिया यही उस तो अशुद्ध लंबा संकृत। ठीक है ना, तो F1PD का एक संकृत निषेचन उत्पाद दे लिया और दूसरा F1PD के दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने पर देखिए हमको क्या प्राप्त हुआ, एक तो इनका मतलब अलग टुकड़े हो गए, इनके चार अलग अलग टुकड़े हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, इतना लिखिए, थोड़ी और जानकारी देता हूं। फ्रेंड्स एक जोड़ी संकरण में अपने जो हमने क्रॉस करवाया था उसके अंदर अंतर्गत हमको दो परिणाम कुछ परिणाम प्राप्त हुए, तो मैंने परिणाम के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी। उसके अंदर F2PD के परिणाम प्राप्त हुए, जिसमें देखिए एक सारणी बनाई मैंने कैपिटल टी और स्मॉल टी की, जिसके अंदर बनाए जाने वाले दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त हुए, जिसमें कैपिटल टी और कैपिटल कैसा हो गया लंबा, और कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा हो गया लंबा। ठीक है, और कैपिटल टी इसके अंदर देखिए कैपिटल टी और टी के अंदर पाए जाने वाला जो कैपिटल टी और स्मॉल टी का जो उत्पाद प्राप्त हुआ वो भी लंबा, और स्मॉल टी के अंदर दोनों प्रकार के टी पाए जाने पर वो कैसा हो गया बोना। फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने आपको कल लक्षण प्रारूप और जीव प्रारूप बताया था, जिसमें जीवों के अनुवांशिकी के बारे में उसके जो लक्षणों के बारे में पता चलता है तो वो लक्षण प्रारूप, और उनके जीनों के बारे में पता चलता है तो जीन प्रारूप। उसके भी कुछ अनुपात प्राप्त हुए, जिसमें लंबा होने की अनुपात है 3 और बोना होने का अनुपात है 1, यानी कि टोटल अनुपात कितना हो गया 3:1। जीन प्रारूप के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी और डबल स्मॉल टी, तो इसमें क्या हो गया, इसका अनुपात क्या प्राप्त हो गया, 1:2:1। तो ये तो आपको एक संकरण के अंदर किया जाने वाले क्रॉस के बारे में परिणाम प्राप्त हुआ।
लेकिन अब मैं बताऊंगा कि इसके अंदर होने वाला पक्ष क्रॉस यानी कि बैक क्रॉस होता है। बैक क्रॉस कैसे होता है, जिसके अंदर भी दो प्रकार के क्रॉस पाए जाते हैं, एक टेस्ट क्रॉस होता है और दूसरा होता है आउट क्रॉस। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बैक क्रॉस क्या होता है, पक्ष क्रॉस। बैक क्रॉस के अंदर देखिए एक लंबा और दूसरा चौड़ा सुजनक लेंगे और इनके बीच में देखिए दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो हमको एक उत्पाद प्राप्त हुआ जिसमें जो किस टाइप का हो गया, लंबा टाइप का। अब मैं इसको वापस बैक क्रॉस करवाऊं, क्या करूं, बैक क्रॉस यानी कि पीछे से इसका क्रॉस करवाऊं, पक्ष क्रॉस कराऊं, तो ये वापस सेम टू सेम रीति प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा। थोड़ा सा टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं, लिखिए इतना। हाँ तो फ्रेंड्स, तो मैंने टेस्ट क्रॉस के बारे में बता देता हूं कि टेस्ट क्रॉस में FMPD के जनक का प्रभावक, अप्रभावी और अप्रभावी के बीच में जो क्रॉस करवाया जाता है तो वो कौन सा हो जाता है, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के अंदर कौन कौन सा, देखिए आपको प्रारूप के अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस दो स्मॉल टी के बीच में करवाया जाता है, जो अप्रभावी अप्रभावी प्रारूप अप्रभावी होते हैं, अप्रभावी क्रॉस होते हैं, इनके बीच में कराया जाना है। क्रॉस के अंदर दो प्रकार के अलग अलग आपको इसके चार अलग अलग टुकड़े मिल जाएंगे। तो मैं बता देता हूं कि इसके अंदर जो परिणाम प्राप्त होता है उस परिणाम के अंदर इसके लक्षण प्रारूप और इसके अंदर पाए जाने वाला जीन प्रारूप दोनों का दोनों सेम होता है, दोनों का अनुपात भी सेम होता है, 1:1। और इसके परिणाम के अंदर मैं अभी सारणी बनाऊंगा इसकी, तो इसके क्रॉस के अंदर मेरे को क्या क्या मिलेगा, देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में देखिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी के अंदर अगर दोनों लंबा और इधर दोनों के अंदर यदि स्मॉल टी आ जाए तो इस प्रकार किस प्रकार का हो जाएगा, बोना। ठीक है ना, तो कैपिटल टी के अंदर सभी प्रकार के जो प्रकार पर प्रारूप पाए जाएंगे तो वो सब कौन से हो जाएंगे, लंबे, और स्मॉल टी के अंदर सारे कौन से पाए जाएंगे, बोने। तो ये तो हो गया भैया ये टेस्ट क्रॉस। अब मैं थोड़ा सा क्या है कि बैक क्रॉस के बारे में आपको बता तो दिया लेकिन उसकी डेफिनेशन नहीं लिखा, तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है, तो आप फ्रेंड्स इसको भी लिख दीजिएगा, लिखते लिखते वीडियो को लाइक भी करना बिल्कुल ना भूले। FMPD का जनक प्रभावी अथवा अप्रभावी के मध्य जो भी क्रॉस करवा जाता है तो वो कौन सा हो जाता है, बैक क्रॉस। फ्रेंड्स ये तो हो गया टेस्ट क्रॉस के बारे में, अब बताता हूं मैं आपको आउट क्रॉस के बारे में। आउट क्रॉस एक्चुअल में क्या होता है, आउट क्रॉस होता है उसमें भी FMPD का प्रभावी जनक होता है और उसका देखो यहां तो मैंने अप्रभावी के साथ करवाया इसीलिए तो वो कौन सा हो गया, टेस्ट क्रॉस। यदि मैं इसको प्रभावी लक्षण के साथ में करवाऊं तो इस प्रकार का कौन सा क्रॉस हो जाएगा, आउट क्रॉस। आउट क्रॉस के अंदर भी सेम प्रकार का करेंगे लेकिन उसमें ध्यान रखेंगे कि उसमें प्रभावी प्रकार के क्रॉस लेंगे। तो उसमें देखिए FMPD के तो आपको पता ही नहीं है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है FMPD का जनक, ठीक है, उसका प्रभावी लक्षण यानी कि कैपिटल टी दोनों बीच में करवाया, इनको दो प्रकार चार प्रकार के अलग अलग मिल गए, जिसमें आपको देखो क्या इसमें भी दो प्रकार के स्मॉल टी और इसमें सॉरी ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसमें दोनों कैपिटल टी प्राप्त हो गए। इसके अंदर परिणाम प्राप्त करेंगे तो वो भी सेम टू सेम यानी कि टेस्ट क्रॉस के अंदर करवाया था वही का वही सेम प्रारूप मिलेगा, जिसके अंदर मैंने लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप का अनुपात बताया था वही का वही सेम इसमें भी अनुपात प्राप्त होता है। और इसके अंदर देखिए यदि सारणी बना तो सारणी के अंदर इसमें तो देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी के अलग अलग प्राप्त हुए, जिसमें से कैपिटल टी के अंदर लंबे प्राप्त हुए और स्मॉल टी के अंदर बोने प्राप्त हुए, लेकिन इस आउट क्रॉस में जो हम प्राप्त करेंगे तो उसके अंदर सारे के सारे प्रारूप कौन से होते हैं, लंबे, यानी कि कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी के साथ लंबा, इधर कैपिटल स्मॉल टी के साथ में भी लंबा, तो इसमें जो भी प्राप्त होंगे जो भी उत्पाद प्राप्त होंगे वो सब कैसे होते हैं कि लंबे प्राप्त होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये इतनी जानकारी आउट क्रॉस के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। अब मैं बताऊंगा आपको रेसिप्रोकल क्रॉस, व्युत्क्रम क्रॉस बोलते हैं इसको हिंदी में, इसके अंदर भी एक क्रॉस होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसमें क्रॉस करवाते हैं, मैंने एक मेल के अंदर ले लिया लंबा सा और इसमें फीमेल के अंदर ले लिया बोना, इनके बीच में रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया, रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया तब इनके बीच में क्या प्राप्त हुआ हमको, मेल के अंदर बोना प्राप्त हुआ और फीमेल के अंदर लंबा प्राप्त हुआ। देखिए फ्रेंड्स व्युत्क्रम क्रॉस का एक ही नियम है, ये क्या करता है लक्षणों की आपस में अदला बदली करता है, लक्षणों की अदला बदली करने पर ही इनके दो प्रकार के आपको क्रॉस में प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रभाविता नियम जो पढ़ाया था उसके बारे में थोड़े से अपवाद है, अपूर्ण प्रभाविता जिसके अंदर स्नैपड्रैगन मस्किल्स और इसके थोड़े एग्जाम्पल है, और एक तो दूसरा है सहप्रभाविता, ठीक है ना, तो अभी थोड़ा सा अपूर्ण के बारे में बता देता हूं। अपूर्ण प्रभाविता है तो उसके अंदर देखिए मैंने आपको दो प्रकार के क्रॉस करवाए, जिसके अंदर एक तो ले लिया लाल और दूसरा ले लिया सफेद, लाल और सफेद के बीच में दोनों के मध्य प्रभावी लक्षण करवाया, तब इसमें देखिए इसके लग कैपिटल आर कैपिटल और इसमें स्मॉल आर स्मॉल आर, इसके दो गुण ले लिए, इन दोनों के बीच में निषेचन करवाया, दो सुजनकों के बीच में निषेचन करवाया, तब मेरे को जो उत्पाद प्राप्त हुआ वो उत्पाद प्राप्त कैसा हुआ है, गुलाबी कलर का, जिसके अंदर किसके पर दो प्रकार के
गुण पाए जाते हैं, इसको कैपिटल आर का और एक स्मॉल आर का। ये भी किसमें? एफएनपीडी का प्रभाव दर्शाता है। फ्रेंड्स थोड़ा सा टॉपिक बोरिंग टाइप का है मैं जानता हूं, लेकिन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन इसके संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें आपको इसके थोड़े से अनुपात याद रखने पड़ेंगे, और इनके मध्य जो क्रॉस करवाया जाता है तो उसके अंदर जो आपको उसके अंदर परिणाम प्राप्त होते हैं उसी परिणाम के बारे में आपको जानकारी जरूरी होनी चाहिए। फ्रेंड्स मेरा उद्देश्य है कि आप इसमें थोड़ा सा पढ़ के जरूर जानकारी ले लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बिल्कुल शेयर करना बिल्कुल न भूलें, अपने मित्रों को बताएं, सबके अंदर भेजें। और जो इसके आनुवंशिक के अंदर जो आपको टॉपिक था वो इसके अंदर जो प्रभावी लक्षण प्रभाविता का नियम मैंने आपको पढ़ा दिया, दो प्रकार के नियम पढ़े हैं, दो पढ़े हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। थोड़ी और जानकारी रह गई आनुवंशिकता के अंदर, यानी कि दो वीडियो तो और बन जाएंगे इसके। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, घर पे रहें और अपना ध्यान रखें, समय पर पढ़ते रहें। जय हिंद जय भारत।